हाथ से बनी हर वस्तु के पीछे एक कला होती है और हर कला के पीछे होता है एक कलाकार। जब भी हम हाथ से बनी कोई वस्तु खरीदते हैं तब हम सिर्फ एक सामान नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं उस कलाकार की, उस कला को सीखने की सालों की कड़ी तपस्या, उसका अथक प्रयास और उसके अपने काम को बेहतर से बेहतरीन बनाने की निष्ठा। हर कलाकृति और सामान जो कलाकार अपने हाथों से बनाता है उसमें उसके एहसास, उसकी भावनाएं, उसकी लगन और उसका जीवन जुड़ा होता है। हाथ से बनी हर वस्तु होती ही है बहुत खास। इनकी तुलना हम मशीन से बनी हुई चीजों से नहीं कर सकते। ये हमारी परंपरा की कला है मेघवार। ऐसे तो कच्ची वर्क है और उसको मेघवार वर्क कहते हैं, एक आहिर वर्क, दोनों सेम होता है, फिर भी मेघवार वर्क होता है वो बहुत बारीक होता है और आहिर का वर्क है थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी तो मटेरियल में ऐसे है, पहले जो हमारा पारंपरिक था वो कॉटन पे काम कर रहे थे, अभी थोड़ा अभी सिल्क में काम कर रहे हैं हम। बाकी तो कपड़ा सब यूज करते हैं, कॉटन भी करते हैं और सिल्क में भी करते हैं। हम जब छोटे थे ऐसा है कि हमारा जैसे लड़की लोग है तो 5-6 साल की होती है तो उसकी माँ के साथ वो मतलब कि सुई से एक रमत से सीख जाती है, ये इसका खिलौना है कि 1-2 दिन में तो कुछ भी बनता नहीं, एक बूटी बनती है। साड़ी में जितनी एम्ब्रॉयडरी होती है मतलब कि ये हमारा ओसाल है तो उसके कम से कम 8 से 6 महीने लगता है। ये वाइट वाला है ना क्रीम कलर का, और ये सोल है जो काड़ी ब्लैक, उसमें 2 से 2.5 महीने लगते हैं। बाकी ये जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें तो 12 महीने लग जाता है। परिवार के तो हम सब इसमें आता तो सबको है, पर मतलब के जो मजदूरी है मेरे साथ, अभी यहाँ मेरे घर पे 7 बहनें काम कर रही है और बाहर 20 बहनें बाहर है। बच्चे लोग हमारे पुरुष कुछ ऐसा काम नहीं करते, बहनों ही करते हैं। मतलब आने वाली जनरेशन बिल्कुल नहीं करेगी काम, क्योंकि ये परंपरा खड़ी तो है पर ऐसा है कि इसका दाम इतना मिलता नहीं जो इतना चाहिए, क्योंकि नौकरी में जब जाता है तो उसमें 10 से 12 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। इसमें हम सारा दिन काम करते हैं तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया एक बहन कमाती है, इसलिए वो दिक्कत रहती है कि और अभी इसमें इतना टाइम भी देना पड़ता है और बारीक काम है तो धीरज से करना पड़ता है। तो अभी की जो जर्नलिस्ट है उसको इतनी धीरज तो है नहीं, जल्दी जल्दी से ज़्यादा मतलब समय कम देना हो, पैसा ज़्यादा चाहिए, इसलिए थोड़ी अभी कारीगर की बहुत दिक्कत आ रही है, जो हमें चाहिए इससे कारीगर मिलते नहीं है। जो मतलब कि 6 से 7 महीना जो काम में लगता है वो तो 12 महीने की पहले देना पड़ता है। इसमें भी सुख दुख आता है घर का, बहनों का तो कभी कभी मेहमान आ जाता है, कभी बच्चों को प्रॉब्लम आ जाता है, भाइयों तो कुछ कुछ नहीं करते पर बहनों को तो सब संभालना पड़ता है ना, इसलिए हमें 2 महीने तो ज़्यादा चाहिए। जो 2 महीने का वो काम उसको हम 4 महीना बोलते हैं कि 4 महीना इसमें लगेगा, 2 महीने तो निकल जाता है कहीं से कहीं। ऐसा है कि ऑनलाइन में तो ज़्यादा रहता है कि क्योंकि ऑनलाइन में जो हम कहते हैं वहाँ बैठे होते थे उसको डिज़ाइन भेजते हैं तो डिज़ाइन को हाँ करके एक दूसरे से काम चलता है। ऑनलाइन का भी मैं नहीं कर रही है अभी, मुझे इतना नहीं, मैं पढ़ाई नहीं की, मैंने 7 तक ही पढ़ाई की है इसलिए इतना आता नहीं है हमें मोबाइल में, और मोबाइल में हम इतना समय भी देते नहीं कि कुछ सीखे। खेती से ही परंपरा हमारी मिली है, इसलिए ज़्यादातर नेचुरल हमारा कुदरत से रिश्ता है, तो जो भी हमारी एम्ब्रॉयडरी है ना उसमें सब कुदरत का ही है, मतलब पेड़ है, फिर हाथी, मोर, चिड़िया, ऐसे गाय, भैंस, ऐसे सब हम डिज़ाइन में लग के ये काम करते हैं। अभी हो रही है मशीन में, मतलब कि मशीन में जो हो रही है इतनी ऐसी नहीं होती, जो मशीन के एक धागा हम निकाले ना तो सारा सारा निकल जाता है,
यो इसकी खामी है कि आप बीच से काटोगे ना तो फिर भी नहीं निकलेगा। मित्र कलाकारों की उनकी कला के प्रति निष्ठा, मेहनत और लगन की कद्र करता है। मित्र तैयार है हस्तशैली कला के प्रचार प्रसार और कलाकारों की आर्थिक सफलता के लिए। हम प्रयासरत हैं कलाकारों के मनोबल को बढ़ाने और भारतीय कला को विश्व स्तर तक ले जाने के लिए। मित्र के लिए कला जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप अपने अपनों के लिए कोई यादगार तोहफा देना चाहें तो हमें ज़रूर याद करें।